First, I'll speak in Hindi language and then in English language. आज हम श्री महादेव शिव शंकर की पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं। शंकर जी के नाम से अनेक व्यवस्थाएं दुनिया में हो गई। आदि शंकराचार्य के प्रसार के कारण शिव जी की पूजा बहुत जोरों ने मनाने लगा और दक्षिण में तो दो तरह के पंथ तैयार हो, एक जिसको शैवाइट्स कहते हैं और दूसरे जो वैष्णवाइट्स कहते हैं। अब शैवाइट माने शिव को मानने वाले और वैष्णवाइट जो विष्णु को मानने वाले। अपने देश में विभाजन करने में हम लोग बहुत होशियार हैं, भगवान के भी विभाजन कर डालते हैं और फिर जब उसको एकत्रित करना चाहते हैं तो और उसका भी द्रुप रूप निकल आता है। जैसे कि एक अय्यप्पा नाम का नया निकल आया है मामला, वो बहुत गलत चीज है और उसमें ये दिखाया है कि विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उनसे एक बच्चा पैदा हुआ शिव जी से, ऐसे कहीं हो सकता है क्या? ऐसी गलत सलत बातें हमारे देश में बहुत निकल आती है और फिर उसी के अलग अलग संघ बन जाते हैं। कोई न कोई बहाना झगड़ा करने के लिए मिल जाए तो हिंदुस्तानी बहुत खुश होते हैं। अगर उनके पास झगड़ा करने के लिए कोई चीज़ नहीं हो तो वो कोई न कोई कल्पना से ही चीज़ें निकालते रहते हैं। ये दोनों ही चीज एक दूसरे से इस तरह जुटी हुई है कि जैसे सूर्य से सूर्य के किरण, शब्द से अर्थ, चांद से चांदनी। माने ये कि जो सोपान मार्ग बना हुआ है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो मध्य मार्ग, वो विष्णु का मार्ग है और उस मार्ग से ही हम शिव तत्व पे पहुंचते। तो जो मंजिल है वो है शिव तत्व की, शिव की, और जो रास्ता है वो विष्णु का बनाया हुआ है। इस रास्ते को बनाने में विष्णु ने और आदि शक्ति ने मेहनत की, इसमें शिव जी का कोई हाथ नहीं। वो तो आराम से अपनी जगह बैठे हैं, जिसको आना है आए, नहीं आना नहीं आए। इस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें इसी विष्णु मार्ग से जाना चाहिए और उसके लिए जो अनेक चक्र हैं उनको पहले ठीक करना चाहिए। जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं तब हमारा विष्णु मार्ग खुल जाता है और उसी के साथ फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाते हैं। अब इन चक्रों के बारे में मैंने तो बहुत बताया था, पर हृदय में भी एक चक्र है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट। ये हृदय का चक्र नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से हृदय जो है वो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है महादेव का। शिव जी का स्थान तो सर से ऊपर है, बुद्धि से ऊपर, विचारों से ऊपर। ऐसे तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इधर ध्यान देना चाहिए कि हमारा हृदय कितना साफ है। हृदय के अंदर हम अनेक तरह की गंदगी को पालते हैं, जैसे कि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करना, जैसे कि किसी ने आपके साथ दुष्टता भी की हो, आपको सताया भी हो, परेशान किया हो, लेकिन उससे ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं। आपका हृदय अगर स्वच्छ है तो आपका जो आईना है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने वाला है वो साफ रहेगा। लेकिन आपके अंदर अगर ईर्ष्या हो
तो वो साफ नहीं रह सकता और उसका प्रतिबिंब ठीक नहीं हो सकता। किसी से भी दुश्मनी मोल लेना, किसी के प्रति भी कुछ इसी तरह का हृदय में तिलमिश रखना या बुरी भावना रखना, ये गलत बात है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करो। माफ करना अत्यावश्यक है, और उनसे पहले भी और बाद में भी अनेक साधु संतों ने यही बात कही कि सबको माफ कर दो। जैसे ही आप माफ कर देते हैं, वैसे ही महादेव ऐसी चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। सबसे जो सूक्ष्म शक्ति है वो महादेव की शक्ति, और वो उसको फिर पूरी तरह से दंडित करते हैं, उसको पूरी तरह से पनिश करते हैं। ये महादेव जी का कार्य है, आपका नहीं, और इसलिए आप ईर्ष्या किसी से करना बहुत बुरी बात। पर सहयोग में भी मैं देखती हूँ कि ईर्ष्या बहुत, सहयोगियों को एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाएंगे। अब किसी को ट्रस्टी बना दिया, दूसरे को नहीं बनाया, तो उसको ईर्ष्या हो जाए। उसमें ट्रस्टी वस्टी में कुछ राम नहीं है, तो आप लोग जानते हैं सब झूठी बातें। माने ये ढकोसला बनाया हुआ है, एक माया जाल फैलाया हुआ है, पर उसमें भी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और दिमाग किसी का खराब होता है और दिल किसी का खराब होता है। अब मैं क्या करूं, मेरी खुद समझ नहीं आता है कि इतना बड़ा कार्य इतने देशों में चल रहा है, तो कोई न कोई एक आदमी से ही तो संबंधित हो सकते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे मामले साफ हो रहे हैं, पर तो भी आपको हैरानी होगी कि अब भी इसकी बड़ी चर्चा होती है, कौन लीडर है, कौन क्या। दूसरी बात, हमारे लिए, एक हिंदुस्तानियों के लिए एक वरदान को, कि ईर्ष्या जो है वो पैसों के मामले में हो जाती है। सहयोग में भी पैसों के मामले में बड़ी ईर्ष्या है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। और सहयोग के कार्य करते वक्त भी लोग देखते हैं कि कितना पैसा किसको मिलता है, कौन कितना पैसा देता है। जिसका हृदय पैसे में उलझ गया, वो सहयोग के काम के आदमी नहीं, क्योंकि उनके हृदय पे जड़वाद, मटेरियलिज्म छाया हुआ। किसी भी तरह के जड़वाद से अगर आप ग्रसित हैं, तो आपका उद्धार होना बड़ा कठिन है। ये अपने देश की विशेषता है, परदेश में इतना नहीं देखा मैंने, पर यहाँ इसकी विशेषता है। सबसे हम सोचेंगे कि रशिया में और ईस्टर्न ब्लॉक में पैसा कम है, पर उनको बिल्कुल परवाह नहीं है, वो पैसे की बात ही नहीं सोचते। पर हृदय इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ हृदय है, और बड़े स्वच्छ हृदय से ही भक्ति हो सकती। हम लोग तो जब प्रार्थना करते हैं तभी हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, पर हृदय का स्नान होकर के अगर हम प्रभु से ये कहें कि हमारे अंदर की ये जो गंदगियां हैं इसको तुम हटाओ और हमें स्वच्छ करो, तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ अंदर है, जो षड रिपु जिसे कहते हैं, क्रोध को कृष्ण ने बहुत जोर दिया है कि क्रोध सबसे खराब चीज, क्रोध से ही सब चीज आती है। एक बार आदमी क्रोध करता है, फिर उसको सम्मोह हो जाता है, वो फिर सोचता है कि मैंने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं, पर वो आपे में नहीं रहता। जब उसे क्रोध आता है, क्रोध में, वो आपे में नहीं रहता, आपे से बाहर हो जाता है, और जो मुंह में आए सो बकता है, उसका कोई अर्थ नहीं। या इतने दिन की जो मैल अपने हृदय में समाई हुई है, वो उसके मुख से निकलती है। इस क्रोध को बचाना चाहिए। ये किस लिए क्रोध आता है, इधर गर चित्त दिया जाए कि हम क्यों क्रोध करते हैं। फिर कुछ लोग हैं वो व्यक्ति मात्र से करते हैं, कोई एक समाज मात्र से करता है, इस तरह से अनेक तरह से लोग क्रोध को करते हैं। ये क्रोध हमें अंदर क्यों आता है, किस लिए हम क्रोधित होते हैं, ये सोचना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ, अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। मुझे तो हंसी आती, पर कोई मेरे विरोध में कहता तो सच कहती हूँ, मुझे हंसी आती, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं मेरे विरोध में कहने की। ऐसी कौन सी बात है,
मैं तो प्यार करने जा रही हूँ और मेरे विरोध में बोल रहे तो अब करें क्या। पर किसी किसी की बुद्धि टेढ़ी होती है तो उस पर दया करनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि इतना महामूर्ख है। जो आदमी क्रोध में उतर जाता है उसके तरफ दृष्टि जो है वो अत्यंत शालीन होनी चाहिए, जिससे उसका भी क्रोध ठंडा हो सकता है। अपने देश में क्रोध करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, उसकी संस्थाएं हैं, जो सिर्फ क्रोध से इसको मार उसको मार, इसको पीट उसके पीट, और फिर सामाजिक तौर पर भी ये चीज बनती जा रही है। ये बड़ी भयानक चीज है, लोगों को मारना पीटना, फिर उसके दंड पर एक कोई सेना तैयार करना या कोई मारने पीटने वाली चीज तैयार करना, ये बड़ी भयानक है। हालांकि अगर अपने संरक्षण के लिए कोई आदमी ऐसी चीज रखता है तो उसमें इतना हर्ज नहीं, पर तो भी अगर वो परमात्मा का भक्त है तो उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी हमेशा संरक्षित है, जिसको अंदर श्री महादेव का वास है उनको कौन हाथ लगा सकता है, उनको कौन नष्ट कर सकता है। कुछ भी करो, कितना भी उनको सताओ तो भी वो इंसान नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो उनको सताएंगे वही नष्ट हो जाएंगे। जब इस बात का पूर्ण विश्वास आपके अंदर हो जाए कि जो आपको सता रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, अपना दिल अपना हृदय आप एकदम स्वच्छ रखें। स्वच्छ हृदय में ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि शिव का स्थान हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप है, और जो आईना स्वच्छ होता है उसी में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शिवजी का क्रोध एक ही बार होने वाला होता है, एक बार ऐसा लोग कहते हैं, पर मैंने अनेक बार उनको क्रोधित होते देखा, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका अधिकार है क्रोध करने का। अगर कोई आदिशक्ति के विरोध में कार्य करता है तो शिवजी का हाथ बड़ा लंबा है, कुछ भी करो वो मानते नहीं, वो ठिकाना ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिशक्ति जो है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो किसी को दंडित नहीं करेगी, वो सबको माफ कर देगी। तब उनका हाथ इतना लंबा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब वो हाथ चलता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता, उनसे आगे कौन बोले। उनके आगे भी मर्यादाएं हैं जिसको आप उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अपने वैयक्तिक जीवन में सहयोग में आपको शिवजी का ही अनुसरण करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो पहली चीज है हार्ट की बीमारी हो जाए, ये पहली चीज है हार्ट की बीमारी हो जाए। इसमें दो तरह से खेल होता है, एक तो अति क्रोध से हार्ट पकड़ जाता और दूसरा है कि क्रोध के बाद पश्चाताप हो तो आपके अंजाइना की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही चीजें बेकार है, पर कहने से क्रोध नहीं जाता, ये तो एक शराब जैसी चीज है, आदत हो जाती क्रोध करने की, उसी में मजा आता है, बस मुंह फूलने लग जाएगा और गुस्सा आने लग जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैंने यह सोचा कि अगर शीशे के सामने बैठ के आप क्रोध करें अपने ऊपर, अपने को दो चार सुनाए और शीशे के सामने बैठ के ये कहें कि मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं, तब ये क्रोध शायद ठंडा हो जाए। ये भी मैं शायद ही कह रही हूं, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं इतनी उलझी होती हैं कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। आगे चल के देखा गया है कि जितना हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं और उस चीज के ऊपर हम इसको कहते हैं रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ कहा फौरन रिएक्शन होगा। ये प्रथा ज्यादा विदेश में, जैसे अब ये कारपेट बिछा फौरन कह देंगे कि आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। ये कौन होते हैं आप कहने वाले? हर एक चीज को आजकल की फैशन है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हर एक आदमी जैसे कोई
बड़ा भारी चिकित्सक है जो कहेगा कि मुझे पसंद है मुझे पसंद है, ये कहना ही नहीं है। ये कहना ही आपके आज्ञा का लक्षण है कि आप अपने को समझते क्या है कि आप उसको कहते हैं ये मुझे पसंद है ये मुझे पसंद है। कोई भी चीज को पसंद ना पसंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी बेचारे ने बढ़िया तरीके से समझ लीजिए आपके लिए फूल दिया तो आप कहेंगे साहब मुझे ये फूल पसंद है। उसके पीछे छिपी हुई उसकी भावना को आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके अंदर शिव तत्व नहीं। एक छोटी सी भी चीज हो, अगर किसी ने गरीब ने आपको दी है तो उसको आप अगर उसकी भावना को पीछे समझ नहीं पाते किस प्रेम से वो चीज लाया। इसके लिए हमारे यहाँ सुदामा का उदाहरण दिखाया गया है कि वो एक कुरमुरे लेके पहुंचे थे उनके पास में और उनका कितना मान श्री कृष्ण ने किया। कोई चीज जो प्रेम भाव से देते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक शिष्य को आप पारस पीछे से लगा दीजिए चमक जाता है। ऐसे ही चीज है, अगर आपके अंदर भावना बहुत सुंदर हो अच्छी हो पर पैसा नहीं हो तो आप कोई छोटी सी चीज भी उनको लेकर दे दें तो दूसरे को सोचना चाहिए आहा क्या बढ़िया चीज। किंतु इस भावना से मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है जिसको कहना चाहिए कलात्मक, जिसमें कला का प्रादुर्भाव होता है, उसे कला दिखाई देती है। तो आप समझते हैं कितनी कलात्मक चीज है। यह कला है प्रेम की कला, ये प्रेम की कला है। इस कला से आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य में कितना प्यार है, कितना मोहब्बती है, कितना प्रेम करने वाला है, कितना सज्जन है, कितना अच्छा है। जब आप ये चीज देखना शुरू करेंगे तब आपकी नजर अपने ऊपर जाएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या हूं, मैं मुझ में इतना प्यार है, मुझ में ये सज्जनता है, मुझ में ये अच्छाइयां हैं कि मैं ऊपरी जबानी जमा खर्च करता हूं और लोगों को भुलावे में डालता हूं। वास्तविकता हम अपने ही को भुलावे में डालते हैं। जब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, जब हमारे जीवन में पूरी तरह की गलत गलत धारणाएं बनी हुई हैं तो हम किसी को भी सुख नहीं दे सकते और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। इसलिए स्वार्थ के दृष्टि से भी, स्वार्थ शब्द बड़ा सुंदर है, स्व का अर्थ जानना चाहिए। स्व माने आत्मा, उसका आप अर्थ जाने। अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या होते हैं। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाले, जो ये प्यार का स्रोत है, जो आज बहरा है, ये शिवजी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है सहयोग के बाद। सहयोग के बाद जब आप की स्थिति वो हो जाती है तो आप जीवात्मा कहना चाहिए या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिवजी के चरणों में लीन हो जाता। और शिवजी के चरणों में लीन होते ही क्या होता है कि आपके अंदर जो पंच तत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले चार तत्वों के बारे में बताया था, पर पांचवा तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया, अपने आकाश कहते हैं। आकाश तत्व का यह है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चला, उस आकाश को चलायमान भी करने की जरूरत है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त है, हर जगह वो आकाश तत्व जो है, तत्व मैं कह रही हूं, व्याप्त है। फौरन आपका असर
वहां पहुंच जाता है जहां जरूरत होती है। बड़े कमाल की बात है, पर होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं। सहयोग में अगर आप शिव तत्व में जागृत हो जाए तो आपके अंदर के जितने सूक्ष्म 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 तर रहना चाहिए, जो भाव है और जो स्थिति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ करें। अब दिल के साफ करने में मैंने आपसे तीन रिपुओं की बात करी, अब चौथा रिपु जो हमारे अंदर है वो है मद। मद माने घमंड। जब औरतों में घमंड आ जाता है तो वो आदमियों की चाल चलती है, फिर वो औरतों जैसे नहीं चल सकते। घमंड, हम माने बहुत, हम कोई विशेष, हमारी कुछ तो भी ज्यादा, या तो पैसे वालों की लड़की है या सुंदर है या सुशिक्षित है या चाहे जिस भी बात, किसी भी बात से अगर घमंड आ जाए तो आदमी औरत जो है वो आदमी जैसे चलने लग जाए। और जब आदमी को घमंड आता है तो औरतों जैसे चलने लगता, माने बनता ठनता है बहुत, शीशे के सामने घंटों बैठता है, बाल बनाता है, ये करता है वो करता है, सब औरतों के धंधे करता है। बनना ठनना औरतों का काम है, चलते वक्त भी सीधे नहीं चलता, एक विशेष रूप से चलता है। अगर पीछे से देखो तो लगे कोई औरत चली जा रही, मर्दाना कपड़ा पहन। सो जब आदमी के अंदर ये चढ़ जाता है मद, तो कहते हैं ना मदमस्त हुए, तो मदमस्त हुए तो डोलने लग जाते हैं हाथी के जैसे, उनके सारा ही ढंग अलग अलग हो जाता है। वो बात करेंगे तो, बात नहीं करेंगे तो, बैठेंगे तो, हर चीज में ये दिखाई देता है कि इनके कोई ना कोई घमंड है। अब समझ भी नहीं आता कि किस चीज का घमंड इनको चढ़ा हुआ है, कौन सी चीज से अपने को विशेष समझ रहा है। ये सारी चीजें तुच्छ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, सहज में इसका कोई अर्थ नहीं। और इसलिए ऐसी चीजों में विश्वास कर लेना कि हम कोई विशेष हैं, तो आप शेष ही रह जाते, विशेष नहीं रह जाते, शेष रह जाते। मतलब यह है कि अपने बारे में कोई सी भी ऐसी कल्पना कर लेना कि हम बड़े रईस हैं या हम बड़े ये हैं। अब तो गरीबों को भी घमंड हो गया, दलितों को भी घमंड हो गया, कुछ समझ नहीं आता, जो भी हो वो हम हैं, इस तरह से लोग बातें करते। आप स्वयं साक्षात क्या है? एक ईश्वर भक्त, परमात्मा को मानने वाले सहयोगी। आपको इस तरह से अपने बारे में सोच लेना, आनंद से परे होना है, क्योंकि शिव शक्ति जो है वो आनंद विभोर मनुष्य को करे। मनुष्य आनंद में मस्त होने के लिए शिव की भक्ति करता है, पर मैं देखती हूं कि अधिकतर शिव भक्त जो होते हैं बड़े सड़ियल लोग होते हैं, उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। फायदा क्या है? शिव की भक्ति करते हो, जो नटराज साक्षात सारे कला का प्रादुर्भाव करने वाले, जो अत्यंत आनंदी और आनंद के स्वरूप हैं, उनके आगे ये शिव भक्त, इनको शिव भक्त कैसा कहा जाए? गले में इतना बड़ा बड़ा लिंग लटकाते हैं, उससे हार्ट अटैक आता, उसकी क्या जरूरत है? आप स्वयं साक्षात लिंग स्वरूप होइए। वो न होते हुए वो जो कार्य करते हैं कि हम शिव भक्त हैं, लगे लड़ने शिव भक्ति करके, और उसके अलग अलग मार्क्स हैं। अगर शिव भक्त होगा तो ऐसे ऐसे लगाएगा, और अगर विष्णु भक्त होगा वो ऐसे लगाएगा। अरे भाई इसका क्या अर्थ है? ऐसे लगाने का अर्थ है मैं तो ऊर्ध्वगामी है, ठीक है आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऊर्ध्वगामी, और पहुंच करके आप शांत, दोनों ही लगाना चाहिए, और नहीं तो लगाओ ही मत। इसका कोई अर्थ होना चाहिए कि जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं उसका यह सोपान मार्ग है, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, इसमें एक एक गंदी चीजों को छोड़ते जाना है। दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने को भला बुरा कहना सीखे,
मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, अपने को कहें। जब आप अपने को कहना शुरू करेंगे तो आप देखिए कि सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारे भूत हमने इकट्ठे किए हैं खुद ही सोच सोच के अपने आज्ञा से, अपनी आज्ञा भरते गए, उससे भूत इकट्ठे होते गए, दिमागी जमा खर्च हो गया और आदमी बहुत क्लेशदायी दुखदायी हो जाता, और वो दुखदायी उसको भी दुखदायी करता। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते, उसका जरूर असर आना चाहिए, चाहे आप पत्थर हो, पर उसका असर आता है, और उसका असर यही आता है कि आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। ये तो एक माँ की बात है कि वो आपके सुख की बात करे, आपको जिससे सुख मिले, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको प्यार मिले, और दुनिया में एक आप सज्जन इंसान हो जाओ। ये एक तो माँ का तरीका है, पर शिव का ये तरीका है ना। शिव एक हद तक चलते हैं, नहीं तो ऐसा तड़ाकते हैं कि मैं घबराती रहती हूँ कि अब ये आदमी किधर जा रहा है, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ पहुँचेंगे, इसको क्या कर रहे हैं। उनको उनको ये नहीं, उनके अंदर ये नहीं है कि चलो भाई इनको ये बहुत खराब हैं, बुरे हैं, तो माफ कर दें। हाँ, माफ करने योग्य हो तो माफ करते हैं, और जो उनकी बहुत तपस्या करता है उनको भी वो वरदान देते हैं। पर जो आदमी मूलतः बेसिकली जो ठीक नहीं होना चाहता उसको वो ठीक कर देते, ये बात सही। इसलिए उनसे डरना भी चाहिए, उनको भयंकर भी इसीलिए कहते हैं कि जब बिगड़ते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। पर उनका सबसे ज्यादा जो बिगड़ना है वो तब होता है जब अंत का कहते हैं ना कि रात्रि ऐसी आएगी कि सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने क्रोध से सब चीज नष्ट कर दे। ये समय तब आता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आखिरी निर्णय है, लास्ट जजमेंट है, इसमें आप कौन से रास्ते पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पूर्णतया आपके अंदर लिखा जाता है, आपका जैसे कच्चा चिट्ठा बन जाता है, और उसी के अनुसार आप चाहे स्वर्ग में जाएं और चाहे आप नरक में जाए। नरक में भेजने वाले तो शिव जी, मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं नरक से, लेकिन शिव जी को है, वो खींच के आपकी टांग आपको नरक में डाल देंगे। फिर आप ये ना कहें कि मैं तो माँ का बड़ा वर्शिपर हूं और मैं माँ को मानता हूं तो मुझे क्यों ये ऐसा हो गया, इसका कारण मैं नहीं हूं। जिसने एक बार मुझे माँ कह दिया उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं सोचती, पर शिवजी की मर्यादाएं अगर मैं हूं तो मेरी मर्यादाएं भी वो। बट इस मामले में सबका दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होने के कारण आपको बहुत समझ करके रहना। और ईसा मसीह में भी जो 11 रुद्र हैं वो भी यही है, रुद्र की जो भावना है वो भी शिवजी के ही स्वरूप है, और इसलिए बहुत संभल के आपको रहना। इसके बारे में आपको इसलिए वार्निंग देनी है कि सहयोग में भी लोग आते हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई बुराई करता है, कोई खराबी करता है, कोई अन्याय करता है, ऐसे लोग तो झटक जाते ही निकल जाते हैं, पर निकलते ही साथ शिव जी की कक्षा में आ जाते हैं। फिर मुझे खबर आती कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने कहा भैया आप मुझे मत बताओ। जब वो खुद ही छोड़ के भागे अपने संरक्षण से तो उसे कौन बचा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना संरक्षण शिव में खोजें। मां में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि पांच चीजें, इन पांच तत्वों में जो सूक्ष्म चीज है उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं, और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो भी
वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिवजी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो यह है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नाम स्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसमें एक कारण और भी कि जो बहुत ज्यादा कार्य में रत रहते हैं, बहुत ज्यादा, वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं, और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिवजी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं लिखते हैं ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की ओर जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं, जरा इसको यकीन नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना है। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रहे, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नजर करें और अपनी तरफ नजर करके देखें कि मेरे अंदर कौन सी खराब है, मैं कौन से गलत काम करती हूं। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे लेना है। आजकल नया जमाना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णतया रहना है, आपका सारा जीवन का क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा जो है शिव तत्व का, और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांगा कि आप गए। जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से, वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक ये मर्यादाएं शिव ने बनाई, और वो इसका इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता है।